ये देखो गाइस, ये देखना है कैसे है। ओए ओए पुंत्रू, फेस दिखा दे रहा अपना। ये फेस धूप लग रही तगड़ी तगड़ी वाली, मजा आ रहा है इसको मेरे साथ में। भाई अभी ना मैं हूँ बीच जंगल के बीच में, पता नहीं गाड़ी बहुत तगड़ी आवाज कर रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई रात को तो। थक हार के मतलब जंगल में चार जगह मैंने गाड़ी रोकी, देखा कि क्या दिक्कत हो रखा है, पता ही नहीं चल रहा है मतलब हेलो फैमिली, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी मॉर्निंग 6 o'clock, और आज मैं साइकिल लेके निकला हूँ। तो अभी हम हैं अपना बीकानेर वाले के पास में, आप देख सकते हैं इधर। अभी मैं साइकिल लेके निकला हूँ, तो आज साइकिल चलाते हैं मस्त करके, ठीक है। तो चलते हैं फिलहाल और साइकिल चलाते हैं, आप लोग वीडियो देखो। तो गाइस मॉर्निंग का कुछ इस तरीके का नज़ारा है हल्द्वानी का, आप लोग सामने देख सकते हैं, खूबसूरत सा लग रहा है। सुबह सुबह हो गई, इसको बोलते हैं भोर। और ये हमारी आज की लग्जरियस साइकिल, इसे हम चला रहे हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं जीवनचर्या फिर से पटरी पर आ चुकी है। हल्द्वानी में चहल पहल अपने मतलब चरम सीमा पे है, और इस डंपर को रोका गया क्योंकि इसका चालान कर रहे हैं साहब जी, देख लो आप लोग, ठीक है। रॉन्ग वे से आया था ये, अभी तो फिलहाल साइड लगवाया है। सो गाइस अभी हो चुका है 2 o'clock, और हमारे साथ आज ये है बिल्लू। ये देखो मस्त वाला बिल्लू है, इसको मैं ना अभी छत में घुमा कर लेके आने वाला हूँ। और मंदिर का काम देखो कितना हो गया, करीब ऑलमोस्ट बनने को रेडी है। और ये देखो माओ माओ कर दो, माओ माओ करो, इसके बाल गिरते हैं बहुत ही यार। ये देख रहे हो कैसा है ये, ओए कबूतरू, ये देखो ये हमारे बिल्लू। ये देखो गाइस, ये देखना है कैसा है। ओए ओए पुंत्रू, फेस दिखा दे रहा अपना। ये फेस दिखा, हाँ फेस दिखा, हेलो कर सबसे, हेलो कर, हेलो कर, हेलो। ये देखो कितना खतरनाक लगता है ना भाई ये लगता है खतरनाक। इसके बाल बहुत गिरते हैं, लेकिन यार इतने बाल गिरते हैं ना इसके, बहुत ही गिरते हैं इसके बाल, पहचानता है हमको ये होटल में। ये मोहित भाई का बिल्लू है, बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट। धूप लग रही तगड़ी तगड़ी वाली, मज़ा आ रहा है इसको मेरे साथ में। आऊँ माऊ माऊ, हाँ भाई क्या चल रहा है। ये देखो भाई सी फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये आ रखा विदेशी मेहमान एक डेनियल ब्राउन, ये देख लो शख्स को गौर से, ये भी ऐसी लग रहा ना, ये सर बोलेंगे कुछ, ये भी डेनियल ब्राउन का बेटा जैसा लग रहा है। सर आप बोलोगे, आप बोलो कुछ, सर बोलो तो बोलो इससे कुछ, अरे कमीने कहाँ जा रहे हैं। अभी निकल रहा हूँ मैं गाँव के लिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा सामान लेके जाना है, वाइट सीमेंट लेके जाना है, और भी थोड़ा बहुत सामान लेके जाना है। सो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं हमेशा की तरह, आज की राइड की शुरुआत करेंगे हम हमेशा भोले बाबा के नाम के साथ। सो बोलो हर हर महादेव भोलेनाथ सबके साथ। सो चलते हैं भाई, ठीक है चलो। ये देखो कैसे मज़े ले रहे हैं ये। सो भाई चलते हैं, फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। सो भाई देख रहे हो ट्रैफिक खुल गया, अभी ट्रैफिक दबा के रहता है भाई, अभी आधा घंटा यहाँ से। ओए होए 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 मेरी जान भाई, तुम गिर जाना नीचे, बट मेरी गाड़ियों को मत ठोकना, मेरी गाड़ी मेरे लिए बहुत कुछ है। ट्रैफिक का कंडीशन कुछ इस तरीके का है, देख रहे हो अब करीब मुझे 25 मिनट हो गए मुखानी से ब्लॉक चौराहे पहुँचने पर, बहुत तगड़ा ट्रैफिक है बाबा सच में यार। हल्द्वानी में फ्लाई ओवर मांगता है, मतलब बनना चाहिए है ना, या तो ये ट्रैफिक को डाइवर्ट करो या फिर फ्लाईओवर बनाओ, दो ही काम हो सकते हैं।
क्योंकि जो सीधे निकलने वाला है ना उनके लिए अलग रूट और जो लोकल वाले हैं उनके लिए अलग रूट। दादा क्या हाल चाल? बड़े हो रहे, वाइट सीमेंट मिल जाएगा, 2-3 किलो दे दो। कितने हुए? बताता हूँ, 40 का केजी, वो 3 किलो ना। तीन दे दोगे फिर? सो गाइस, यहाँ से ले लिया है मैंने वाइट सीमेंट, ठीक है। तो एक्चुअली ना गियर फंस रहे इसमें, देख रहे हो ये थोड़ा आवाज़ तो करती है, लेकिन जो खट वाली आवाज़ करती है ना ये बड़ी डरावनी लगती है। ऐसा लगता है पता नहीं क्या जो हो गया। सो अभी मैं हूँ फतेहपुर पे और अब पूरा घना जंगल, ठीक है। तो धीरे धीरे निकल लेते हैं हम, ठीक है। गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी, बट इतना मैं डरता नहीं हूँ। ऐसा नहीं मतलब जानवर आ गए तो फिर यार क्या ही करना है, भूत प्रेत वाले से नहीं डरता हूँ भाई। फतेहपुर भी सुनसान हो गया, अब ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद हो गई हैं भाई। अभी ना मैं हूँ बीच जंगल के बीच में, पता नहीं गाड़ी बहुत तगड़ी आवाज़ कर रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई रात को। तो अभी तो मेरे को हो गया, मैं आगे को जाऊँ या पीछे को जाऊँ भाई। फिलहाल तो चलते हैं आगे को ही, देखा जाएगा जो होगा भाई। ऊपर वाले के नाम के साथ पे है ना, जब को राखी साइयाँ मार सके ना कोई वाला हिसाब है भाई। चलो फिलहाल चलते हैं भाई। ओ अभी गाड़ी ना मतलब बहुत बुरी आवाज़ कर रही भाई, खट 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 खट, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं 4 बारी गाड़ी रोक चुका हूँ घने जंगल के बीच में, अभी तो फिलहाल मैं बसानी पहुँच चुका, लेकिन मैं 4 बारी गाड़ी रोक चुका हूँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक तो समझ में नहीं आ रहा रात को क्या समझ में आएगा भाई, कुछ दिख नहीं रहा, फ्लैश लाइट से कितना दिखेगा यार। सेट यार पता है साला ये शोरूम वाले भी ना लगता है जिम्मेदारी से काम करते ही नहीं है यार। फाइनली पहुँच चुका हूँ घर, थक हार के, मतलब जंगल में 4 जगहों मैंने गाड़ी रोकी, देखा कि क्या दिक्कत हो रखा है, पता ही नहीं चल रहा है, मतलब आवाज़ कर रही खट 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 खट। मेरे को या तो ऐसा लग रहा है कि क्लच प्लेटें सही करवाई थी उसके अंदर का कोई नट खुला रह गया, वो उसमें घूम रहा है खट 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 खट, या फिर सौकर में कोई प्रॉब्लम आ गई, या मटगाट टकरा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब एक तो खुद चलाओ तो देखे कैसा वाला हिसाब हो जा रहा है, और बाकी उस चीज़ को अभी कल सुबह चेक करूँगा। बट यही है यार, गाड़ी के साथ ना लगे रहता है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। खड़ी थी, मैं सर्विस करा के लाया था कल शाम, थोड़ा सा गियर फंस रहे थे, मैंने इतना नोटिस नहीं करा क्योंकि मैंने वाइजर बंद करा था ना, आवाज़ कम आती है वाइजर बंद करके। तो अभी मैंने नोटिस करा क्योंकि मैंने वाइजर खोला जब, तब मुझे वो आवाज़ आई, मैंने रोकी 2-3 जगह रोकी। तो फिलहाल तो फाइनली 8:30 घर पहुँच चुका था, और थोड़ा वाइट सीमेंट रखना था मतलब, तो उस चीज़ के लिए बाद में लगा के फ़ायदा नहीं होता ना, थोड़ा टाइल वाइल का काम चला था। तो बाकी यार क्या है, बाकी अब कल जाएंगे देखो टाइम निकाल के, और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।